सब कुछ जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा, आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। भजन संहिता अध्याय 66 वचन 1 से, भजन संहिता अध्याय 66 वचन 1 से आइए देखते हैं। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। आमेन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, जिसमें परमेश्वर का जो दास दाऊद है, वह परमेश्वर की स्तुति और उसके धन्यवाद के विषय की बातें वो हमें बताते हुए कह रहे हैं कि हे सारी पृथ्वी के लोगों, तुम क्या करो, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। कहता है हे सभी पृथ्वी के लोगों, कहता है तुम हमेशा क्या करो, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। क्यों? क्योंकि वह जय जयकार के योग्य है, इसलिए तुम हमेशा उस परमेश्वर के लिए जय जयकार करते रहो। क्योंकि हमारा परमेश्वर भी हर एक व्यक्ति से यही चाहता है कि मनुष्य उसका आदर करे, उसकी महिमा करे, उसकी प्रशंसा करे, उसके नाम की जय जयकार करे। ये परमेश्वर की इच्छा है, इसीलिए वो परमेश्वर का दास कहता है कि हे सभी पृथ्वी के लोगों, तुम क्या करो कि उस परमेश्वर का क्या करो, जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ। हे परमेश्वर के चाहने वाले लोगों, तुम परमेश्वर का जय जयकार करो और उसके नाम की महिमा करो। कहता है कि जय जयकार के साथ उस परमेश्वर के नाम की महिमा करो। कहता है उसकी हमेशा उसके नाम की महिमा करो। क्यों? क्योंकि वो महिमा के लायक है, उसके काम महिमा के लायक है, उसके काम आदर के लायक है। इसलिए कहता है कि हे सभी पृथ्वी के लोगों, तुम उसके लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसके नाम की महिमा करो और उसके नाम के महिमा वाला जो भजन है उसे गाते रहो। कहता है उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। कहता है परमेश्वर की जब भी महिमा करो तो उसकी स्तुति गा गा कर महिमा करो, उसकी स्तुति करते हुए महिमा करो। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हर एक व्यक्ति से यही चाहता है कि मनुष्य क्या करे, उसकी महिमा करे, उसका आदर करे, उसका सम्मान करे, उसकी स्तुति गाए, उसकी बड़ाई करे, बड़ाई की गीत गाए। क्योंकि भजन संहिता के 66 के 8 और 9 वचन भी क्या कहता है कि हे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो। हे सारे देश देश के लोगों, हे इस पूरे संसार के अंदर अलग अलग देश के रहने वाले लोगों, तुम क्या करो, उस परमेश्वर को धन्य कहो, क्योंकि हमारा परमेश्वर धन्य। कहता है कि उस परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति में राग उठाओ। कहता है जब भी उसकी स्तुति करो तो उसकी स्तुति में राग उठाओ। कहता है सुर में होकर, राग में होकर उस परमेश्वर की स्तुति के गीत को गाओ। कहता है धुन में होकर, कहता है जो हमको जीवित रखता है और हमारे पांव को टलने नहीं देता। कहता हमारा वो परमेश्वर है, ऐसा परमेश्वर है जो क्या करता है, हमें जिंदा रखता है, जीवित रखता है और हमारे पांव को कभी टलने नहीं देता है। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर जो क्या करता है कि हमारे पांव को टलने नहीं देता, हमें लड़खड़ाने नहीं देता, हमें गिरने नहीं देता, वो हमारे हाथों को थामता है, हमारे हाथों को थामता है। कहता टलने नहीं देता है। वचन कहता है कि
हमारे पांव को टलने नहीं देता, यानी हमें लड़खड़ाने नहीं देता। कहता है वचन में कि हमको वह जीवित रखता है, वो हमें मरने नहीं देता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, वो हमारे प्राणों की रक्षा करता है, हम पे दया बरसात। इसलिए हर एक व्यक्ति को उस परमेश्वर की महिमा करना चाहिए, उसकी स्तुति गाना चाहिए, उसकी बड़ाई करना चाहिए। इसलिए मेरे प्यारे भाई, आप भी उस परमेश्वर की महिमा करिए, उसकी बड़ाई करिए। क्यों? क्योंकि वह धन्य है। हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आज सुबह की प्रार्थना के द्वारा आप सभी के जीवन में उस स्वर्गीय परमेश्वर की आशीष आएगी। ओ धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है यीशु राजा, तेरे नाम में प्रार्थना करते पिता अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन ले प्रभु, उनके जीवन में, उनके पूरे परिवार के जीवन में तेरी आशीष उतरने पाए, ताकि इनके जीवन का और उनके घर का उद्धार होने पाए। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता, हाँ मेरे प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता कि आज पूरी रात इन्हें संभाल कर रखा प्रभु, तू इन्हें सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा, इन्हें अच्छी नींद दिया प्रभु, हे परमेश्वर इन्हें नई सुबह, नया दिन, नया जीवन दिया प्रभु, धन्यवाद देता हूं। हे प्रभु मैं प्रार्थना करता, इनके जीवन में तू बहुतायत की आशीष दिया प्रभु, मैं धन्यवाद देता पिता, प्रार्थना करता हूं कि आज पूरे दिन ये सुरक्षित रहे, भले चंगे रहे, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई बीमारियां इनके जीवन में ना आने पाए, आज पूरे दिन ये सुरक्षित रहे, आनंदित रहे, भले चंगे रहे। आज जो निराशा में प्रभु, उनकी निराशा दूर होने पाए, हे परमेश्वर इनके जीवन की सारी इच्छा, सारी मनोकामनाएं आज पूरा होने पाए। आज की सुबह प्रभु हर एक के लिए आशीष की सुबह होने पाए। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते, जितने बीमार लोग हैं प्रभु, आज उन्हें छू ले राजा, ताकि ये बीमारी से मुक्त होने पाए। ओ प्रभु जो तूने अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांपों और बिच्छों के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु तेरे दिए हुए अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूं कि इनके सर से पांव के बीच की हर एक बीमारियां निकल जाए। हे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इनकी आंखों की बीमारी, कान की बीमारी, नाक की बीमारी, मुंह की बीमारी निकल जाए, गले की बीमारी निकल जाए, इनके सीने की बीमारी निकल जाए, पेट की बीमारी निकल जाए, कमर की तकलीफें, रीढ़ की हड्डियों की तकलीफें निकल जाए, घुटने की तकलीफें निकल जाए, जोड़ों का दर्द, गठियाबाद की बीमारी निकल जाए, साटिका की बीमारी निकल जाए, हड्डी हड्डी की तकलीफें, मांसपेशियों की तकलीफें, नसों की तकलीफें दूर हो जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, एचआईवी, टीबी, कैंसर नष्ट हो जाए, कितनी पुरानी जख्म में सूख जाए, फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगा हो जाए, गैस की बीमारी निकल जाए, अपेंडिस की बीमारी, सूजन नष्ट होने पाए, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी निकल जाए, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी, बवासीर की बीमारी निकल जाए, पथली नष्ट हो जाए, जुखाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज, खुजलियां नष्ट, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट, पीलिया, स्नोफीलिया, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। जिसके पास संतान नहीं, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान की आशीष दे। वो महान परमेश्वर अपने स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा हरि के जीवन में आने दे। ओ पवित्र आत्मा रिको सुले री बारी बासे खेरे दोलोरो ओ सबार बासिंदे ले री बासा खला बंदे ले री राखल बंदोलो री बासा बाला बासिंदे ले री। महान परमेश्वर तेरी आत्मा की सामर्थ हरि को छूने पाए। अभी मैं कई लोगों को देख रहा हूं, आज कई लोग आत्मा की सामर्थ से चंगे हो रहे हैं, कितने लोगों के ऊपर आत्मिक वरदान उतर रहे हैं। ओनली वर बस इन डिलीवरी। अभी कई लोग पेट की बीमारी से चंगे हो रहे हैं। वो थैंक यू जीसस। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता हरि को छू और चंगा होने दे। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इनके जीवन में आशीष दे, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करें। हे परमेश्वर जो नौकरी की तलाश में नौकरी उन्हें मिलने पाए, जो रोजगार की तलाश में रोजगार मिले, जो तेरी सेवा करना चाहते उनको सेवकाई पे आशीष मिले। हाँ मेरे प्रभु जितने लोग आशीष को रिसीव करें, इस आशीष के द्वारा इनके जीवन में अद्भुत नए नए चमत्कार होने पाए। प्रभु आज की प्रार्थना हर एक के लिए एक सामर्थ की प्रार्थना होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर तेरा साथ सबके साथ, तेरा हाथ सबके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे मेरे राजा। यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे।
गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।